लीडर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का फैसला कर लिया है। अहम डेवलपमेंट हुई है, अहम खबर है। तरीके इंसाफ कराची के सदर फिरदौस शमीम नकवी ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है और अब फिरदौस शमीम नकवी ने बतौर ओपोजिशन लीडर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का फैसला भी किया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा और कराची के सदर हैं फिरदौस शमीम नकवी, जिन्होंने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। फिरदौस शमीम नकवी ने बतौर ओपोजिशन लीडर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने का अब फैसला किया है। बतौर ओपोजिशन अब असेंबली में बैठेंगे और पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर बताएगा क्या तफसीलात हैं। जी, अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 साल जो है बहुत अच्छी तरीके से पार्टी चलाई है, अब जो है वो चाहते हैं कि जो ओहदा है किसी और के पास रहे, क्योंकि वो अपोजिशन की लीडरी पे जो है वो अपोजिशन के हवाले से मदद काम करना चाहते हैं। उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो पार्टी चेयरमैन को हड़ताल कर दिया है और उनका कहना यह है कि किसी दूसरे शख्स को लाया जाए ताकि वो कराची के मामला अपने तहरीके इंसाफ के मामले को मजीद बेहतर तरीके से देख सके। जी तो काशिफ कौन सा दूसरा उम्मीदवार है जो कि सदारत के लिए अहल है? जी, 2-3 नाम इस हवाले से अभी तो उन्होंने इस्तीफा भेजा है, पार्टी इनके हवाले से मुशावरत होगी जो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा, लेकिन कोई भी हतमी नाम सामने नहीं आया है अभी तो। इस्तीफे आया है इनका, उसके बाद फाइनल होगा जिसको जो है पार्टी सदर बनाया जाएगा कराची का। काशिफ मुनीर बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।